देख लिया लेके जा पड़ी थी। हां जा ए राज के का वो का नाम कंप्लीट जा वो फोन जा चले यार पता बाबू से नहीं जाते बूसत नहीं आवे ना अलग से। तो अगर इंजन की जो हेड की वाले हैं अगर बार बार टूट रही हैं तो ये जो है ना ये गैप ये ख़राब हो जाती हैं। जब ये ख़राब हो जाती हैं मैं नई डाला है मैंने मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जब ये ख़राब हो जाती हैं तब जो है ना ये टेपर ये वाल जो है ना वालों में टेपर चलने लगती है। यहाँ पर टेपर चलने लगती है तो बार बार जो वाल की स्प्रिंग है वो टूटने लग जाती है। तो इंजन की किसी भी इंजन की अगर बार बार हेड की वाल जो टूट रही हैं तो आपको इनको चेंज करने के बाद सही हो जाएगा। अगर इनको आप चेंज करने के बाद सही नहीं हो रहा तो जो हेड की अगर हेड की गाइड होती है ना जो हेड की जो गाइड होती हैं वो गाइड ख़राब हो जाती हैं। तो अगर बार बार टूट रही हैं तो या तो ये ख़राब होंगी या तो हेड की गाइड ख़राब होंगी दो चीज़ का मसला होता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान दें। तो दोस्तों यही मसला होता है अगर किसी भी इंजन की वाल स्प्रिंग या वाल टूट रही है तो या तो ये टैपेट ख़राब होंगी या तो हेड की गाइड जो है वो ख़राब हो जाती हैं। और दोस्तों और ज़्यादा कुछ होता नहीं इसमें अगर यही होता है दो चीज़ें और इसके बाद टैपेट जो है ना अच्छे से सेट कर देना। अगर ज़्यादा टाइट होना तो टैपेट जो ज़्यादा मतलब टाइट हो तो थोड़ा सा ढीला कर दीजिए और अगर बार बार टूटे हैं तो थोड़ा सा टैपेट जो है ना ढीला रखिए इनको तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और दोस्तों ज़्यादा कुछ इसमें होता नहीं है। अगर आपको इनको नई लगाना है तो आप ऐसे ही फ़ोटो देख के आप लगा सकते हैं इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा काम होता नहीं है तो इसलिए मैंने आपको बताया नहीं था। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और दोस्तों हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।